वेलकम टू माई लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं जाने वाली हूँ कोपिनर बॉर्डोले एयरपोर्ट। तो वहाँ पे आज आने वाली है जो हम इस साल मतलब हुई है मिस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड 2023। सो वो मतलब आने वाली है क्योंकि वो मतलब हमारे गुवाहाटी से बिलोंग करती है। वो आसाम की है। सो सी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस क्राउन। तो वो आज आने वाली है। सो हमें मतलब वी गॉट द प्रिविलेज टू वेलकम हर टू हर होमलैंड। तो बस अभी तैयार होने वाली हूँ। हमें बोला गया है कि हम मतलब हमारे कॉलेज से हम 6 गर्ल्स जाने वाले हैं। तो हमें बोला गया है हम ट्रेडिशनल पहन के जाए। तो आज अभी ट्रेडिशनल पहन लेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। तो मिस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड ये कंपटीशन US में हुआ था, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारी आए थे कंपटीटर्स, और अमोंग देम आवर इंडिया वॉन। इट्स रियली ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। तो या लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ फुल्ली। अभी मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, हमने बहुत जल्दी जल्दी कपड़े पहने। उसके बाद क्योंकि लेट हो रहा था, मैम लोग फ़ोन कर ही रहे थे कि कब तुम लोग मतलब आओगे। सो अभी मतलब जाना है एयरपोर्ट। पहले हम मैम को पिकअप करेंगे, उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। पहुंच चुके हैं। सो अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं क्योंकि सिर्फ इसी पॉइंट तक विजिटर्स अलाउ हैं, और बाकी दिस इज़ द व्यू ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये एग्ज़िट पॉइंट है और वो इस तरफ से ही आएंगे, और हमें बोला गया है कि हम स्टेज पे उठ जाए। तो अभी हम स्टेज पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सो यू ऑल कैन सी द गैदरिंग एंड फाइनली सी इज हियर। तो वो येलो ड्रेस में उनकी मदर है। मैं गाड़ी से निकल चुकी हूँ और अभी रूम जा रही हूँ। माय गॉड, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि मतलब हम लोग थोड़े लेट से गए हैं, क्योंकि मतलब 12 बजे ही वो मतलब एयरपोर्ट में पहुँच चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग तो 12:30 बजे ऐसे या 1 बजे ऐसे कुछ पहुँचे। तो हम लोग मतलब क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे 12:30 या 12:45 ऐसा कुछ वहाँ पे पहुँचे, और वो मतलब 12 बजे एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। फिर उसने मतलब थोड़ा चेंज किया, मतलब उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना। हम मतलब गए, उसके बाद थोड़ा बस
एक कुछ समय रुकने के बाद फिर वो आ गई। फिर आने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, मतलब रिपोर्टर्स आए हुए थे, लोग आए हुए थे, माय गॉड। तो बस वही रुके, रुकने के बाद हमें एक कुछ पैक, मतलब उनकी मम्मी ने हमें बोला कि तुम लोग थोड़ा रुको, हम कुछ पैक लंच ऐसा कुछ मतलब आयोजन किया है। तो हमें वो दिया मतलब बैग, उसके बाद हम लोग चले हैं। तो मतलब पहले तो इतना ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पे, मतलब क्या हुआ, सब लोग तो मतलब अलग ड्रेस में थे, हम लोग हम सिक्स हम ही बस ट्रेडिशनल में थे। लेकिन बाद में मतलब क्या हुआ, जब वो आ गई उसके बाद मतलब ऐसा पूरा मतलब खुद को ऐसा लगा कि हम लोग मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आया कि बस सब लोग बाहर के लोग भी आए थे, कोई कोई मतलब फॉरेनर वगैरह भी, वो भी आके फ़ोटो खींच रहे थे ऐसा सर। और वो देखने में इतनी प्रीति थी, पूरा इतना अच्छा हाइट था उनका, और मतलब फ़ोटोज़ में जितना अच्छी लगती थी रियल में उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो अच्छा लगा उनसे मिलके, मतलब बहुत ही मतलब सिंपल है, मतलब हमसे भी इतने अच्छे से बात किया, पूरा स्माइल करके, अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो उनका घर यहीं पे है गुवाहाटी में। आई होप यू ऑल एन्जॉयड, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।